रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम 7 का टेबल करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े सी रिवीजन कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। ये है 4+4 इज इक्वल टू 8। इसमें दो ग्रुप्स हैं आपके पास, ईच ग्रुप हैज़ 4 ऑरेंजेस। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 × 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 × 3 = 4 ग्रुप्स हैं, तो हम इनको अलग-अलग भी ऐड करें तो आंसर 12 आएगा, लेकिन हम पढ़ने और लिखने में आसानी के लिए इनको 4 × 3 इज इक्वल टू 12। तो इससे हमें पता चला कि जो रिपीटेड एडिशन है उसी को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये जमा का शॉर्टकट है, इससे पता चलता है कि एक नंबर को कितनी दफ़ा जमा किया गया है। अगर हम इक्वेशन देखें उसके साथ, जैसे 5+5 इज इक्वल टू 10, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5 इज इक्वल टू 10। अब ज़ीरो का असूल क्या है कि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जिस चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी ज़ीरो हो जाती है। यानी 1 × 0 इज़ 0, 2 × 0 इज़ 0। तो प्यारे बच्चों, क्या आप नफ़े की तजारत करना चाहते हैं तो फिर अल्लाह से तजारत करें। हर अल्लाह जो है वो नफ़ा ही नफ़ा देता है। हदीस में आता है कि अगर तुम एक अच्छा काम करो तो अल्लाह ताला उसका तुम्हें 700 गुना तक भी अजर दे सकता है। तो हम तो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं, लेकिन ये सारी बातें पता कैसे चलेंगी? ये पता तब चलेंगी जब हम अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह की भेजी हुई हिदायत को मज़बूती से पकड़ लेंगे। और इसका मतलब ये है कि हम इसको समझ कर पढ़ें, ऐसी ज़बान में पढ़ें जो समझ आती हो। तो प्यारे बच्चों, आज से कुरान मजीद को उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू करें। अब है मैथ प्रैक्टिस करना। तो अब हम जो है वो 7 का टेबल करेंगे। आप सोचें कि आपके पास एक फूल है जिसकी 7 पत्तियां हैं। एक फूल आप अपने पास रखते हैं तो आपके पास 7 पत्तियां, 7 पेटल्स या 7 फूल की पत्तियां आ जाती हैं। अगर आपके पास दो फूल हैं तो आप के पास कितनी पत्तियाँ होंगी? आप 7 × 7 जमा करेंगे तो 14 आ जाएगा। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 × 7 इज इक्वल टू 14। दो दफ़ा 7 को जमा करें तो आंसर 14 आता है। इसी तरह अगर आपके पास एक तीसरा फूल आ जाता है तो आप नंबर लाइन पे चेक कर सकते हैं कि जब 14 में 7 ऐड किया जाता है तो वो 21 बन जाता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 7 इज 21। फिर आपके पास एक फोर्थ फ्लावर भी आ जाता है जिसके अंदर 7 पत्तियाँ और हैं, तो आप 21 में 7 जमा करें तो 28 आ जाएगा। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 × 7 इज इक्वल टू 28। अब आप आपके पास एक पांचवा भी फूल आ गया तो आप 28 में 7 ऐड करें तो आपके पास 35 आता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 7 इज इक्वल टू 35। आपके पास एक और फूल ऐड हो गया 6, 1, तो आप 35 से नंबर लाइन पे 7 ऐड करें तो 42 आता है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 6 × 7 इज इक्वल टू 42। और फिर अगर आप 42 में 7 और ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है 49। आप नंबर लाइन पे भी चेक कर सकते हैं, और इसको आप 7 × 7 इज इक्वल टू 49 भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और फूल आ गया, 8वां फूल, तो अगर आप 49 में 7 ऐड करें तो ये बन जाते हैं 56। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 × 7 इज इक्वल टू 56। आपके पास 56 पेटल्स होंगे 8th फूल को शामिल करके। फिर आपके पास एक 9th फूल भी आ गया, 56 में 7 ऐड करें तो ये 63 बनता है। और आप इसको 9 × 7 इज इक्वल टू 63 भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप 63 में 7 ऐड करें तो 70 आता है। आप नंबर लाइन पे साथ साथ चेकिंग कर सकते हैं, तो 10 × 7 इज इक्वल टू 70। तो एक्चुअली ये 7 का टेबल 7 की स्किप काउंटिंग है। आप देखें कि हर नंबर में 7 जंप्स लगाई हैं उसने, और ये हमारे पास पूरा टेबल है। और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इसको याद करें, इसको रिवाइज करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।